हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और देखो मैं आ गई रसोई में और ये मेरी यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ मैं आ गई चाय लेके। चलिए और चाय डाल देती हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बहुत, मैं मतलब तुलना बता नहीं सकती कितनी गर्मी है। ऐसे ना ऐसा लग रही है जैसे चोट रहा हो बदन में पूरे में, इस तरह की गर्मी है यहाँ पे। मेरे को घबराहट होती है इतनी गर्मी से। मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है, मुझे गर्मी बहुत बुरी लगती है। और यहाँ तो ना सर्दी है ना गर्मी है, और इस मौसम में जबकि हमारे यहाँ पर ठंडा मौसम हो गया है और यहाँ पर देखो तो जान निकाल रहा है। और आप लोग ये चाय पी लीजिए, अदरक की चाय, कम मीठे की अदरक की चाय, मसाले वाली। चलिए आप लोग चाय पी लीजिए, ठीक है? और मैं भी पी लेती हूँ। कौशिक जी की चाय डाल देती हूँ, फिर कौशिक जी लेते हैं थोड़ी चाय, फिर कहेंगे मेरे से मेरी चाय क्यों ज्यादा डाल दी। कौशिक जी चाय, एक कौशिक जी की चाय है आधा कप। और आजकल तो साग बनने लगे हैं। किसी ने मेरे कमेंट करके बताया था कि आंटी मैंने आज साग बनाया। और बेटा मैंने अपने घर पे फोन करा था तो मेरी भाभी ने भी साग बनाया था। कह रही मम्मी बता रही थी छोटी छोटी सरसों आ रही है, बहुत छोटी छोटी सरसों आ रही है, जैसे एक एक बिलान जितनी हाथ जितनी छोटी छोटी सरसों आ रही है, कच्ची कच्ची। मैं बोली मैं कि पिछले साल में कि हम लोग मैं सोच रही थी कि इस साल हम घर चले जाएंगे तो खूब अपना साग वाग खाएंगे। जब वहां रहे तब साग की कदर नहीं जानी, पर कदर क्या, हम तो खूब खाते थे। कदर तो जब ही ना जानते ना, जब हम कभी खाते नहीं उस साग को, कहते गाय भैंस खाती है। बहुत से लोग कहते हैं साग भी कोई खाने की चीज है, गाय भैंस खाते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। गाय भैंस खाते हैं, हम तो इंसान होकर खाते हैं। कदर तो तब भी थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा कदर हो गई है उस साग की मेरे लिए, मेरे कौशिक जी के लिए। मुझे बहुत याद आता है साग। और तो और मैं क्या है ना, कौशिक जी कभी 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 रेयर लगा लो, कभी कभी पालक मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी पालक को मैं साग की तरह बनाती हूँ। बिल्कुल जैसे साग बनता है ना, टेस्ट तो मतलब ऐसा नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे 99% तो नहीं आएगा, जैसे हाँ आपको 98-99% तो मिलेगा उसका साग का टेस्ट, तो मैं बनाती हूँ वो साग और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आजकल तो मैंने एक और वो करा है ना, बताई ना मैं चावल की रोटी बनाई उसके साथ में साग के साथ। कई बार ऐसा होता है ना मक्के का आटा नहीं मिलता है तो चावल की रोटी मिक्सी में चावल पीसो और सब बारीक चनी से छान लो और उसका आटा बना के, और सिंपल उसमें मैंने कुछ डाला भी नहीं था, गेहूं का आटा मैदा कुछ नहीं डाला था, सिंपल उससे बनाइए। पर थोड़ा मैं ना जैसे भाई जो मक्के की रोटी बेल सकता है वो तो बना सकता है उसे हाथ से, लेकिन हम लोग उसे नहीं आता है बनाना, तो मैंने पेपर पे बनाया था। बहुत अच्छी बनी थी, मतलब ठंडी होने के बाद भी ना सख्त नहीं हुई थी, सॉफ्ट थी। जैसे जब सख्त हो जाती ना कैरी रोटी हो जाती नहीं चबाई जाती, ऐसी नहीं थी। और हमने चला दिए मशीन, सुबह सुबह मशीन चला लिए क्योंकि कपड़े काफी हो गए थे ना। अब जब दिवाली सफाई होगी तो कपड़े तो होंगे ही धोने के लिए, काफी कल काफी थक गए थे मैं उस कोशिश की। तो अब एज का भी फर्क होता है ना, अब जवान शरीर तो है नहीं, या आदमी भाई करता रहेगा फिर थकेगा नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करेगा फिर शुरू हो जाएगा। मैं बहुत काम करती थी, मैं अपना बताती हूँ, मैं कभी थकती नहीं थी, लेकिन अब मेरा ये हो गया कि अब मैं ना थोड़ा सा करने काम कर लूंगी, थोड़ा नहीं फिर भी काफी कर लेती हूँ। काम करने के बाद मुझे थकान हो जाती है और मुझसे काम नहीं होता है। अब मैं चिल्लाती हूँ, कोशिश जी से आवाज सुन लेना अब इसमें, फिर मैं चिल्लाती हूँ। अब मैं चश्मा पहन लेती हूँ। कोशिश जी ना मतलब जहां मतलब पॉइंट मारना है ना वो बीच में आके मार जाएंगे पॉइंट, और मार दिया। आज हमने प्रेस वाले को बुला लिया था सुबह ही, और आज हमने मैंने कौशिक जी के 37 कपड़े दिए, 37 कपड़े मैंने कौशिक जी के दिए हैं, जिसमें कि अभी 5-6 कपड़े इनके बच गए। मैं कह रही थी इनसे कि आप आज मैं आपके 40 कर देती हूँ पूरे, करने दो। तो कह रहे नहीं अपने डालो बीच में। मैंने कि ना मेरे को ना डालने, मैंने कि अपने डालूंगी तो पता ना कहाँ पहुंच जाएंगे मेरे कपड़े। फिर कौशिक जी के मैंने 37 कपड़े इन्होंने दिए, इनको पता नहीं क्यों 37 दिलवाए थे। मैं कह 2-4 और है उन्हें और डाल देती हूँ, अब वो मैं आ जाएगा प्रेस लेके करके, दोपहर में आ जाएगा करके। तो मैं कितना कितना लेता है पैसा वो? 7 रुपए। हाँ 14 रुपए। यहाँ प्रेस का पैसा महंगा है, तो अपने अपने यहाँ पे पहले 5 रुपए जोड़ा था, फिर 6 हुआ, अभी भी हमारे यहाँ 8 रुपए जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे है 14 रुपए जोड़ा। जैसे एक पैंट करवाइए तो 7 रुपए की, कमीज है तो 7 रुपए की, 14 रुपए जोड़ा है।
तो मैंने कि कोई बात नहीं, पैसे वैसे का कुछ नहीं देखना, प्रेस कपड़े अच्छे लगते हैं और अलमारी में भी ना लगे हुए अच्छे लगते हैं, शो लगती है, बरकत लगती है उन चीजों से। और हम लोग इनका क्या कोशिश है, धुलते कपड़े अलमारी में घुस जाते, धुलते कपड़े अलमारी में घुस जाते। और आज तो ना मैंने सुबह सुबह ही, मैं बता रही हूँ, बहुत काम कर लिया है। सुबह सुबह ही मैं कुर्सी पर चढ़ रही थी अलमारी पर चढ़ने के लिए, कि ऊपर वाला जो अलमारी का खाना है ना वो काफी ऐसे हाथ रखना पड़ेगा तो हाथ दर्द हो जाएगा कंधा, तो मैं कुर्सी पर चढ़ रही थी। कौशिक जी ने ना मुझे कुर्सी पर नहीं चढ़ने दिया, कह रहे थे कुर्सी पर चढ़ोगे मेरी कुर्सी तोड़ोगी क्या, मेरे से कह रहे अगर मेरी कुर्सी टूट गई तो क्या होगा। मैंने ये देखो, इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। फिर कह रहे लोग ये मूढ़े पर चढ़ जाओ, मूढ़े पे, फिर मूढ़े पे ये बैठे हुए थे उस टाइम। फिर मैं बोली मूढ़े पर खुद बैठे हो, कुर्सी देना रहे हो, फिर अपना आप ही मूढ़ा ला कर दिया, बोले इस पर चढ़ जाओ, बोले कुर्सी टूटेगी खुद गिरोगी और चोट लग जाएगी। फिर मैंने आज मूढ़े पर चढ़ के दो अलमारी ठीक कर ली है, लेकिन मुझे दो अलमारी में से मेरा पर्स नहीं मिला है, भगवान की माया है। मैं एक बार लेके गई थी कौशिक जी को ना बिग बाजार लेके गई थी ना उस पर्स को, उसमें पैसे थे, पेमेंट के चक्कर में कुछ चक्कर पड़ रहा था, तो बिग बाजार या तो मेंबर बनना पड़ता है बिग बाजार में जाके, तो मेंबर भी हम बने हुए थे लेकिन हमने अपना नंबर दूसरे दिए हुए थे बिग बाजार के लिए, तो कौशिक जी को वो नंबर पता नहीं थे, कौशिक जी अपना नंबर दे रहे थे। और मेरे दिमाग से भी वो उतर गया था, मैं उतरा क्या था, मैंने इनसे दो तीन बार बोला भी था कि आप मेरा नंबर देख के देखो क्या मेरा नंबर हो सकता है, कि मेरा नंबर ये देख के देखो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा नंबर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा नंबर है, बस अपनी चलाते रहे वहां खड़े होके, अपना नंबर देते रहे, वो बार 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 दिखा रहा है कि नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। फिर अब अंबेर से इन्होंने गुस्सा कर दिया, बोले ये रखा सामान पड़ा है, पड़ा रहने दो मैं जा रहा हूँ घर वापस, अब सामान मैंने पूरा ले लिया है, पेमेंट हुई नहीं है, कार्ड से पेमेंट हो नहीं रही है उस पर, क्योंकि नंबर देना पड़ेगा, नंबर बनना हमें, वो बिना उसके नहीं देते हैं ऐसे कार्ड से, पता नहीं क्या दिन का दिक्कत है। उस दिन फिर वहां गए कौशिक जी बाजार में, वहां गए बड़े उस पे काउंटर पे, तब उससे बात करी, डांट लगा के आए उसे। फिर मैंने तब मैंने अपने उसमें से 7,000 रूपये कौशिक जी को दिए थे निकाल के, मैं बोली इतने इतने का सामान है, अगर इससे ज्यादा का सामान होगा तो हम सामान निकाल देंगे, अगर ये पेमेंट नहीं ले रहा है कार्ड से, भाई मेंबर का कार्ड से नहीं ले रहा है तो मैं नकद पैसा दे दूंगी इसे। ये कह रहे कौशिक जी कह रहे मैं नकद भी नहीं दूंगा, मैं सामान छोड़ता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं ले रहा सामान, मैं घर जा रही हूँ। तो जब वहाँ बड़े वाले उससे बात करी है तो उसने कह दिया ले लो, फिर उन्होंने कार्ड से पेमेंट कर दिया, और उसी दिन के बाद से मेरा वो है ना पर्स गायब, पर्स इतना मिला कौशिक जी कह रहे है तुमने बिग बाजार में छोड़ दिया, वो पर्स निकाला था पैसे देने के लिए, या तो वो हाथ तक कहीं नीचे पर्स रखते हुए बड़े पर्स में छोटा पर्स रखते हुए, या तो पर्स में था, बड़े पर्स में से तुमने यहाँ निकाल कर रखा है। ना मैंने ना रखा, डेढ़ डेढ़ देख रहे मेरे, देख रहा हूँ काट रहे सुबह सुबह, कटर पटर कटर पटर लगा रहे, रात में तो काटनी नहीं चाहिए, रात में नखून काटना तो बहुत बुरा होता है, नखून तो काटना ना चाहिए, रात में बाल है नखून है, यहाँ तक कि शीशा भी नहीं देखना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं देखते हैं 24 घंटे शीशा नहीं देखना चाहिए, इतना छोटा सा घर है, इतना करने के बाद भी इतना काम बचा है हमारे पास में। चलिए फिर मैं अभी चाय पी लेती हूँ। बेटा आपने मुझसे पूछा है आंटी दलिया आप दलिया बनाते हो तो दलिया में कितना पानी डालते हो, तो बेटा जैसे मेरा जैसे मैं एक गिलास लूंगी, एक कटोरी लगा लो, एक कटोरी लूंगी दलिया जिसमें कि मैं आधा लूंगी गेहूं का दलिया गेहूं का और आधा लूंगी उसमें मूंग की दाल, टोटल एक कटोरी करना है मुझे। अगर दो कटोरी करना है मुझे, आपको भाई परिवार बड़ा है दो कटोरी करना है, तो एक कटोरी मूंग की दाल और एक कटोरी आपको उसको गेहूं का दलिया लेना है। दोनों को मैं तो सूखा रोस्ट कर लेती हूँ, घी नहीं डालती। उसके बाद मुझे ना बहुत से लोग क्या है बस उसमें पानी डाल के उसे बनाने के लिए रख देते हैं, मुझे ना थोड़ा बाहर की चीजों से मुझे थोड़ा वो रहता है, मुझे साफ सफाई में थोड़ा ज्यादा दिमाग जाता है, तो मैं क्या करती हूँ पहले दलिया भून लेती हूँ, गीला कर लूंगी दलिया तो भूनेगा नहीं, इसलिए पहले सूखा दलिया भून लूंगी मूंग की दाल के साथ और दलिया पहले थोड़ा दलिया भूनूंगी, उस पर थोड़ी मूंग की दाल भी डाल दूंगी, फिर दोनों को मिला के भूनूंगी जब तक कि खुशबू ना आने लगे अच्छे से, तब तक भूनूंगी, फिर उसे दो तीन बार धो के, और जैसे मैंने अब जैसे एक कटोरी लिया है दलिया तो मैं उसमें 5 कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि दलिया में पानी ज्यादा चाहिए, 5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है उसमें, और उसमें नमक डाल दिया है जितना हम स्वाद के अनुसार खाते हैं, और उसमें एक चम्मच मैंने डाल दिया देसी घी, और उसके बाद देखिए आप दलिया बना के बहुत बढ़िया बनता है। बहुत से लोग चावल भी डालते हैं, जैसे भाई एक कटोरी आपने दलिया और वो ले लिया मूंग की दाल ले लिया
और ना इतना सा मतलब एक चम्मच के करीब उसमें चावल डाल देंगे। बहुत से लोग डालते हैं, चना दाल भी डालते हैं, पर मैं मूंग की दाल और इससे बनाती हूँ दलिया। आप लोग बनाइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। मैं दूध से खाते आप तो मैं कोशिश जी को दूंगी छाछ से दलिया, पतली छाछ करके ना, पतली से छाछ करके मैं दही बहुत जमाती हूँ, क्योंकि मुझे ये कोशिश कहते हैं दूध से ज्यादा दही फायदा करती है। रात को हम एक एक गिलास दूध ले लेते हैं, मैं हल्दी डाल के ले लेती हूँ, कई बार गुड़ से ले लेती हूँ, कोशिश जी गुड़ से ही लेते हैं, और दिन में दोपहर में हम छाछ लेते हैं रोटी के साथ में, दोपहर में जो लंच करते हैं उसमें छाछ लेते हैं। तो अभी कोशिश जी ने दलिया रखा है, तो अभी कोशिश जी को पहले मैं दलिया दूंगी छाछ से, फिर दोपहर में इतनी दही मैंने जमा दिया था कल, मैंने पूरा जमा दिया था दूध एक किलो करीब, क्या हो गया एक किलो करीब दूध जमा दिया है, दही मैंने बना रखी है। और अभी जो हमारा दूध आ रहा है ना, ओवन का दूध आ रहा है, उसकी दही देखो तो आप ऐसे कतली से उतरती है, बढ़िया दही उतरती है, और ऐसी मलाई से दही बनती है बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। कैसे हो, बढ़िया हो ना सर? और मैं आ गई हूँ छत पे, देखिए थोड़ा थोड़ा सा धुंध टाइप हो रही है, जैसे धूल धुंध कुछ इस तरह की हो रही है देखिए। और अच्छा मौसम है, ठंडा छत का मौसम ठंडा है, नीचे गर्मी है। और मैं आज आपसे एक बात करने के लिए आई हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, कि जो मैंने कल वीडियो डाली है रात को डाली थी ना, कि भाई आप लोग भाई सुनोगे तो भाई सुन के ही आवाज़ कांप जाओगे, और मेरी तो उससे बात हुई है। तो क्या है कि बहुत लोगों का कमेंट आ भी रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं उससे स्पेशल उससे बात नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ दिखाई जा रही है उसमें मैंने अपनी मम्मी से बात की है। मैं अपनी मम्मी से दिन में कम से कम 4-5 बार बात कर लेती हूँ, और ऐसे ही अगर मेरा बाई चांस कभी कोई दिक्कत है, जैसे काम करने में लग गई हूँ, मेरा फोन नहीं गया है, तो मम्मी के आ जाते हैं। तो उस दिन मैंने फोन करा था मम्मी के पास में, तो क्या हुआ था, मेरा जो भाभी मेरी मायके गई हुई थी अपने, तो भतीजा था और मेरी माँ थी और मेरी बुआ थी वहाँ पे घर पे। तो भतीजा मेरे से कहने लगा, बुआ अभी मैं वीडियो कॉलिंग करूँगा, तब फिर आप ना बुआ से भी और अम्मा से सबसे बात कर लेना। तो मैंने उसे ये कहा था, बेटा अभी रुक जा 10 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे काम है थोड़ा किचन में, मैं काम करके फिर मैं करती हूँ, फिर मैं आई हूँ 10 मिनट बाद काम करके, तो 10 से 15 मिनट भी हो गया, 20 मिनट भी हो गया। तो मेरा भतीजे को कुछ काम था तो वो बाहर चला गया था, बाद में पता लगा था मुझे, तो फोन नहीं आया उसका। तो फिर मैंने सोचा चलो वो क्या वीडियो कॉलिंग बाद में करवाता रहेगा, मैं अपना बात कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से फ़ोन मिलाया अपनी मम्मी से बात करने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी पहले भी, भतीजे से ही बात हुई थी। तो मम्मी से जब मैंने बात करी है, तो जैसे ही मैंने हेलो करा है मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी की आवाज़ मेरे पास नहीं आई है, जैसे ही मैंने हेलो करा है अपनी मम्मी से, तो वहाँ से यही आवाज़ आई है। और जो जो जैसे मैं पूछ रही हूँ, पहले मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, माँ से बात करता हुआ कोई बच्चा कोई डरेगा नहीं, डरेगा ना, वो नॉर्मली बात करेगा। तो मैंने नॉर्मल जैसे बात करी है हेलो करके, जैसे करा मम्मी हेलो मम्मी नमस्ते जैसे करा है, वहाँ से फिर वो दूसरा की आवाज़ आई है। फिर मैं ये सोचने लगी कि हो सकता है मेरे भतीजे ने मजाक का मूड सूझा हो उसको, तो मेरे से मजाक कर रहा है। एक बार उसने पहले मेरे से मजाक किया था, लेकिन ऐसा वाला मजाक नहीं करा था, वो जैसे भाई आवाज चेंज करके आवाज, जैसे भाई वो ना बोल के थोड़ी मोटी आवाज करके भारी आवाज करके डालना, उस तरह का। तो फिर मैंने उससे उस दिन ये भी कहा था कि रॉन्ग नंबर लग गया है, सॉरी मैंने कहा, तो वो हंसने लगा वहां से जभी की जभी, कह रहा बुआ नहीं रॉन्ग नंबर नहीं लगा बुआ, ठीक नंबर है, लोग करो बात, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन जो उसने जब आवाज बदल के बात करी थी, वो बात वो आवाज थी, इसमें आवाज नहीं है। तो मैं यहाँ से बात कर रही हूँ अपनी मम्मी समझ कर, पूछ रही हूँ कौन मोबाइल मम्मी हेलो मम्मी नंबर, वहां से मेरी मम्मी ने ही बोला था कि मम्मू मैं बोल रही हूँ, मम्मी बोल रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है मम्मी बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ। फिर जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा है कि ये मम्मी तो है नहीं भाई, बोल मम्मी रही है लेकिन मम्मी की आवाज ये नहीं है, मम्मी की आवाज तो दूसरी है। तो काफी देर बाद मेरे को उस चीज से डर लगा था, जब मैं उस चीज से डर गई हूँ,
तो मैंने वो पूछा है उस टाइम वहाँ पे खड़े होके कि आप कौन बोल रहे हो, कौन है, क्या मजाक कर रहे हो, मजाक मेरे से मजाक कर रहे हो, तब मैंने ये बात बोला है। और मैंने पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो मेरी माँ का नाम है उर्मिला, तो उन्होंने उर्मिला भी बोला है, लेकिन वो मेरी माँ की आवाज नहीं है। अब मैं और मेरी माँ के बीच में तीसरा बंदा कौन आया है मुझे नहीं पता है उस चीज के बारे में। और अब तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब तक मैं भाई मैं और मेरी माँ पास पास नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी दूर ही है, हम फोन से ही बात करते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये आवाज आई हो, ये पहली बार आवाज आई है। तो बेटा भतीजा कहने लगा बुआ हो सकता है फोन खराब हो, बुआ हो सकता है कोई वैसे, भाई मैंने कहा चल भाई मैं मान लेती हूँ उन चीज़ों को, मैं मान लेती हूँ। लेकिन जब मैंने दोबारा फिर फोन करा है तो फिर वही आवाज आई है। तो कौशिक जी डर गए, तो उन्होंने कहा था कि फोन रख दो। मैं बोली ना, मैंने कि ये बार बार आवाज आ रही है, मैंने कोई तो है, या तो मेरे को डराने कोशिश कर रहा है या कोई सच्ची डर वाली चीज है, मैं आज इससे बात कर लेती हूँ। तो मैं उससे बात कर रही थी उस दिन भी, मैंने उससे बात की है, लेकिन उस दिन के बाद बता रही हूँ ना, तो मैं अपनी माँ के पास फोन करती हूँ कभी डर की वजह से, ना मेरी माँ मेरे पास फोन करती है। अभी थोड़ी एक दो दिन से हमारा ऐसा हुआ है कि चलो मैं देख लेती हूँ, देखी जाएगी, जब आवाज दूसरी आएगी तो देखी जाएगी, तो हम कर लेती, मैं कर लेती हूँ, तो मम्मी भी कर लेती है। अब हमारे फोन में ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही, और ना ही मेरी माँ का फोन ऐसा है भाई कहीं भी फोन कर रही है, कोई किसी ने शिकायत करी हो कि इस चीज की भाई आवाज ऐसी आई है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये डिस्टर्बेंस है या कोई और चीज है, मुझे नहीं पता मुझसे क्या पूछना चाहती है। वैसे मेरी माँ ये कह रही है, जो जो तू मेरे से सवाल पूछ रही है कि आप कौन बोल रही हो, मम्मी नमस्ते, तो मैं नमस्ते का जवाब दिया है, तो तू ये पूछ रही है बेटा कौन बोल रही हो, तो मैंने बोली तेरी मम्मी, मैंने ये भी बोला है। फिर मैंने की जब बात तू डर गई है, तो मैंने तेरे से ये भी कहा है कि भाई तुमने पूछा है कि नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा, तो मैंने ये कहा मेरा नाम उर्मिला। बेटा बोल मैं ही रही हूँ, लेकिन वो आवाज बीच में से कहाँ जाके वो तेरे पास जा रही है मुझे नहीं पता है। बस यही कहानी है, यही है। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि आप डरा रही हो लोगों को, डरा रही हो। बेटा कौन डरा रहा, कोई नहीं डरा रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं डरा रही, मैं क्यों डराऊंगी अपने बच्चों को, आप लोगों को क्यों डराऊंगी, ये बताइए ना, मुझे डराने से कुछ मिलेगा क्या आप लोगों को? जो घटित हुआ वही बता रहे, और जो मेरे साथ हुआ है पहली बार हुआ है, ये चीज मेरे साथ पहली बार हुई है, लगातार हुई है दो दिन, हाँ पहली बार हुई है, दो दिन लगातार पहली बार हुई है, मतलब जिंदगी में पहली बार हुई है, और दो दिन हुई है लगातार। और ना मेरे पास ऐसे कोई मैंने ये आत्माएं पाल रखी है, भूत प्रेत पाल रखे, ये तो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये जब एक आदमी मैं थोड़ी हूँ तो उसने मुझे ही पकड़ा हुआ है, जरूर थोड़ी मुझे पकड़ रखा है, या वो बाहर से आता है, या वो हो या ना हो, मुझे क्या पता क्या चीज़ है, मुझे क्या पता, लोगों के साथ होती भी होंगी ये चीज़ें, और मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जिंदगी में, लोगों को देखा है मैंने इस तरह से, आप लोगों को नहीं होता होगा क्योंकि आजकल साइंस का जमाना है, लोग इन चीज़ों को कम विश्वास करते हैं, ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है उनसे पूछो ना, हो सकता है मेरा जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मेरा रहना खराब हो, वो अच्छा नहीं हो, जहाँ रह पा रही हूँ मैं, रह रही हूँ जिस जगह पर, हो सके आगे जाके मेरा सब नॉर्मल हो जाए, ये भी हो सकता है ना। और इससे पहले मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी, गोरखपुर तक हम रह के आए थे, एयरफोर्स में थे, ऐसे इस जगह पे रहे हैं, तो मतलब ऐसा चीज नहीं हुआ कि जो इस तरह से चीज होती है, ये नहीं हुआ था। तो मैं गोरखपुर में भी रही हूँ, बेंगलोर में, गोरखपुर, वेस्ट बंगाल, सब जगह रही है, पेड़ पौधे सब थे, चीजें होती थी वहां पे, लेकिन इस तरह से नहीं था कि वो घर में घुस गया, सेध रहा है, उस तरह से नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, मैं जब गुड़गांव गई, इन्होंने एयरफोर्स छोड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो शादी का जो सामान आया था एयरफोर्स में, हम लोगों को एयरफोर्स का सामान मिल जाता है, एयरफोर्स वाले तरफ से मिलता है, चारपाई वारपाई सबको सामान मिलता है, एयरफोर्स से मिलता है, तो हमें ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वहां तक मैंने अपना सामान नहीं लिया था, तो जब हम आ गए हैं गुड़गांव, तो मुझे सामान की जरूरत पड़ गई, क्योंकि एयरफोर्स वाले सामान थोड़ी देते हैं हमें डिस्चार्ज के साथ में, तो फिर मुझे वो सामान लाने की जरूरत पड़ गई है। अब वो सामान के साथ वो चीज आई है, बस वहां से ही मुझे दिक्कत बनी है, या तो वो सामान के साथ आई है, या जिस घर में मैं रह रही थी, जिस घर में हमने किराए पर मकान लिया था, जिसमें बताया था कि भाई इतना अच्छा पिछा आदमी था, देखते देखते खत्म हो गया उस घर में 6 महीने के अंदर, तो हो सकता है उस घर में कोई दिक्कत रही हो। मैं ये बताना चाहती हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ आपको पता है, और मैं आपको मजाक करने के लिए कोई चीज नहीं दिखा रही, इन चीजों को देख के सीरियस मत हो, डरो मत इन चीजों, डरने के लिए मैंने नहीं डाल रहा, ये मैं बता रही हूँ, ये मेरे साथ बीता। मैं तो आपका कमेंट चाहती थी कि हो सकता है आप कुछ बोले, आंटी लाइन डिस्टर्बेंस थी, आंटी या कोई चीज हो, आप मुझे मतलब इस चीज के लिए मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती ना इस चीज से,
क्या हो सकता आंटी मोबाइल का कवर बंद हो, आंटी हो सकता डिस्टरबेंस हो, आंटी लाइन मिल गई हो। मैं तो आपसे कमेंट चाह रही थी ना कि आप मुझे बताओ कि भाई आप लोग चाहे बताओगे अपनी मर्जी से बताओगे, लेकिन मुझे से उस चीज से सुन के मुझे दिल में ना थोड़ा आराम मिलेगा। चलो वो चीज नहीं है भाई, ये लोग बोल रहे हैं वो चीज है, मैं ये करके थोड़ा आराम से रह सकती हूँ ना। मुझे डराने का कोई शौक नहीं है। ये देखो मेरे बच्चे हैं और यहाँ तो मेरे कौशिक जी रहते हैं मेरे साथ में, कौशिक जी रहते हैं साथ में मेरे। और ये जो चीजें होती है ये तो ये आपको पता, आपने फिर देखा ही नहीं है, जाके बालाजी में जाके देखिए। मैं तो बालाजी भी होके आ गई थी एक बार बीच में, शिवानी और हम सब होके आए थे, मिलके आए थे बालाजी तिरुपति बालाजी, जयपुर मेहंदीपुर बालाजी है ना, वहां गए थे हम। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग ये कह रहे हो कि आपका चैनल बंद कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें चैनल बंद करने का तो मैंने ऐसा कुछ डाला ही नहीं है जो कोई मेरा चैनल बंद करेगा। और जो कि हॉरर स्टोरी बना रहे हैं जिनका काम ही ये है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या चीज दिखाते हैं, उनका कोई नहीं बंद करेगा क्या? और मैं तो आप बीती बता रही हूँ जो कि बीता है मेरे ऊपर जो, और मैंने ये नहीं है फेक नहीं है कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने उसमें एडिटिंग करी है, भाई एडिट करके डाला हूँ। जो मैं बात कर रही हूँ और जो सामने बात कर रहा हूँ वो सब मैंने दिखाया है। एक बार और क्लिप दिखा दूंगी और मैं एक बार फिर क्लिप दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें हमारा क्या है ना, कौशिक जी से ना वो डाला नहीं आया था, दीपा से पूछ रहे थे दीपा कैसे डालना है, तो दीपा सो गई थी, दीपा बोली दीपा ने नहीं बता पाई। फिर शिवानी से भी हमने बात करी है तो शिवा जी ऐसे भी है, शिवा ने बताया था कि पापा ऐसे करो पापा ऐसे करो, पर इनसे नहीं हो पाया था। फिर शिवा ने कुछ ऐसा बताया कि पापा आप ऐसा कर दो, जैसे इन्होंने डाला है आवाज डाली है जैसे, तो शिवा ने जैसे बता दिया उसको, जैसे वहां दूर बैठ के जो बच्चा बता सकता उसी तरह से ये शिवानी ने बताया था। दीपा सो गई थी, पूछा था तो वो सो गई थी। तो अभी मैं इसमें अगर आप ये सोचते हो कि आंटी ने, भाई बहुत से लोग हैं ऐसे बीच में, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आंटी ने कहीं से आवाज लाकर डाल दी हो, ये सोच रहे होंगे ना। तो मैं आपको जो ऑडियो है ना, जो वही क्लिप तीन जो अलग अलग है वही दिखाऊंगी चलते हुए, जैसे भाई इससे रिकॉर्डिंग हुई है, जब रिकॉर्डिंग भाई ऑन करते हैं उसको खोलते हैं तो वो आती है ना वाइब्रेशन से आती है ना, वो चलती हुई लाइन से आती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और बेटा 2-4 महीने की बात है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी फिर अपने घर जाएंगे बेटा, यहाँ तो मैं भी है, यहाँ मैं कोई हवन पूजा पाठ कुछ नहीं करवा सकती हूँ, जो पूजा है वो मैं कर रही हूँ। हवन यहाँ कुछ, यहाँ साउथ की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ ना मुझे पंडित जी मिलेगा हवन करने वाला, भेदभाव करते हैं पंडित जी, भेदभाव करते हैं। मंदिर में भी जाओगे तब भी पता लग जाएगा नॉर्थ इंडियन है, इसको इसका प्रसाद भी नहीं लेना, इसे जोत भी नहीं करवाना है, इसको प्रसाद भी नहीं देना है, वो लोग ये करते हैं। तो थोड़ा हीन भावना आती है, चाहे भगवान के मंदिर में ही हम लोग जा रहे हैं, चाहे भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, अब वैसा जनरल वैसे प्लेस पे जाएं तो ज्यादा महसूस होता है, लेकिन मुझे भगवान के घर में भी हमें महसूस होता है क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होता है। 2-4 महीने तो मुझे इनके साथ इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, तो मुझे और कौशिक जी को कुछ नहीं हो सकता। जो आप हमारे इतने प्यारे मेरे बच्चे मेरे बहन भाई बैठे हैं जो कि इतना मुझे प्यार करते हैं, कौशिक जी भी इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, पता मैं कमेंट पढ़ के रो पड़ती हूँ कई बार, और मैं नॉर्मल भी घर में बात करती हूँ कि देखो ये कितने अच्छी है, ये कितने अच्छे हैं, मैं इस तरह से बात करती हूँ। ये नहीं है कि भाई आपने मेरे कमेंट में अच्छा मुझे कमेंट कर दिया है तो मैं इसलिए बड़ाई कर रही हूँ, नहीं, मैं वैसे ही बड़ाई करती हूँ। जहाँ पे जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, मैं बहुत लोगों को बड़ाई करती हूँ, सभी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं मेरे लिए, हमारे लिए कोई बुरा नहीं कर रहा है, सब अच्छे हैं। हाँ, जो डर रही है, जो कह रही है कि मैं ये आप दूसरों को डराने के लिए करती हो, वो करती हो, मैं नहीं डरा रही किसी को। और बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं आ रही है। और ये भी देखो ना, मेरी हिम्मत देखो ना आप लोग, मेरी हिम्मत देखो आप लोग हैं, कि जो मैं पहले वहां बैठी हूँ नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल हेलो हेलो कर रही हूँ, मम्मी नमस्ते ऐसे हेलो हेलो कर रही हूँ, उसको वो जब से वो आवाज आ रही है तो मैं यही मजाक समझ रही हूँ कि हो सकता है मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। ये देखो ना, उस आवाज के साथ में अपने कमरे में डबल बेड पे बैठी हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ अकेली उस कमरे में, और कोई नहीं। लेकिन जब वो आवाज ने अपना आवाज भाई, जब वहां से भी कोई समझ नहीं आया कि ये तो कोई मम्मी तो है नहीं, ये तो कोई और ही है, उसके बाद मैं बता रही हूँ मेरा ऐसा हो गया जैसे मेरा दम निकल रहा है। मैं खुद बता रही हूँ, मैं डरती हूँ चीजों से, मुझे इनके साथ रहने का शौक नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है और मैं डरती हूँ चीजों से, और मैं कई कोशिश से कहती हूँ सारे दिन बैठी बैठी कि मुझे इनसे डर लगता है, पर वो ये भगवान जी है ऊपर वाले है ना, जब तक ऊपर वाले भगवान जी का हाथ है ना तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस बाबा जी का साथ ले रखा है मैंने, बालाजी महाराज का पूजा करती हूँ मैं डेली, वो जो पूजा पर विश्वास है बस,
पूजा पे, अपने भगवान पे और पूजा पे विश्वास है मुझे। वो मेरा बाल भी, मेरे परिवार का बाल विवाह का नहीं होने देंगे जब तक उनका हाथ रहेगा। हाँ, जैसे हाथ हटा लिया तब बात अलग हो जाएगी। बाकी मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद क्या, मुझे पूरा अपने बाबा पे विश्वास ही है, विश्वास है मुझे अपने बाबा के ऊपर, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अंकुर आ रहा है, अंतिपा कह रही अंकुर आएगा, तो पहले ही कह रही थी पिछली वीडियो में अंकुर आएगा तो अंकुर डर जाएगा, नहीं रहेगा आपके साथ में। तो अंकुर नहीं डरता, अंकुर इन चीजों से नहीं डरता। अंकुर कहीं भी है रात के टाइम वो आ जाएगा। अभी देखना अंकुर रात के टाइम यहीं बैठा रहेगा छत पे आके। मैं मना भी करती हूँ, बोला नहीं मम्मी चलो ऊपर चलते हैं। चलिए, मैंने एक ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए स्पेशल, जो भाई जिनको समझ में नहीं आई है कि आप लोग कोई ये समझ रहा है कि मैं डायरेक्ट उसी से बात कर रही हूँ, उस चीज से मैं डायरेक्ट उससे बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई वो ऐसी चीज बनाने वाली नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ जो कि घर में घर गृहस्थी संभाल के बैठी हूँ। मेरे तीन बच्चे हैं, मेरा पति है, बस मेरी ये इतनी फैमिली है, बस मेरा एक परिवार है। एक पारिवारिक औरत ये चीज नहीं कर सकती कभी भी। मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, तांत्रिक तो बहुत बड़ी बात है। अब कोई कहेगा तांत्रिक बुरे नहीं होते, मैं तांत्रिक बुरा नहीं कह रही हूँ। मतलब इन चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना आदमी को, तो वो चीज मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत छोटा सा दिल है मेरा, इतना सा, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ। कि थोड़ा सा मुझे किसी ने कुछ कहा, बस थोड़ा सा किसी को रोता देख लिया तो रो पड़ी, किसी ने कुछ थोड़े से शब्द बोल दिया तो रो पड़ी। तो वो आदमी तांत्रिक नहीं बन सकता है। मैं एक पारिवारिक और गृहस्थी की एक लेडी हूँ, बस मेरा एक छोटा सा परिवार है, यही मेरी एक कहानी है। आज कौशिक जी ने और मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, बस पूरा साफ सफाई, झाड़ना पोंछना सब कुछ कर दिया है। अब खाली बस हमारे थोड़े कपड़े जो कर्टन वर्टन है वो धुलने बाकी रह रहे हैं, क्योंकि कौशिक जी छुट्टी नहीं मिलती है ना। आज छुट्टी मिली तो आज मैंने इन्हें पकड़ लिया। ये कह भी रहे थे, टाल रहे थे कल कि कल करवा दूंगा। कल किस टाइम करवाते, सुबह ड्यूटी जाते 10 बजे आ रहे हैं आजकल, बताओ ये बैंक से तो मेरा काम कैसे होता। चलिए, मन में कुछ मत रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ऊपर वाले का साथ है, सब लोगों का साथ है ऊपर वाले का, तब तक कोई किसी को कुछ नहीं हो सकता। इतना विश्वास कर सकते हो आप मुझ पे, अपनी बहन पे, अपनी आंटी पे, ठीक है, अपनी माँ पे कर सकते हो ना। चलिए फिर, अब मिलते हैं हम। और मेरी ये वीडियो जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए डाल रही हूँ, और इसमें मैं वो फिर दोबारा वो क्लिप डालूंगी। और मैं ये आपको बताने के लिए डाल रही हूँ कि भाई आप डरना नहीं, और इससे कुछ नहीं होता है। ये चीजें तो हवा है, कभी भी कहीं भी जा सकती है, इनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जो थोड़ा कच्चा जिसकी छाया हल्की होती है उस पर असर कर जाती है, जो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा उनसे पार निकल जाती है आराम से, कोई मतलब नहीं है, यही चीज है। चलिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, जो भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा गलत बात मत फैलाइए, आपको ना डराने के लिए कर रही हूँ, ना मैं डर रही हूँ, ना मैं आपको डरा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आती तो वीडियो देखो आप, बाकी डरिए मत। चलिए, फिर मिलती हूँ मैं कल सुबह अदरक की चाय के साथ, बाय। वैसे गुड नाइट हो रही है तो मैं गुड नाइट भी कर देती हूँ, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए फिर, हेलो, कौन है? मैं कौन? भूत, 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 भूत है। भूत का क्या नाम है? हैं? उर्मिला? कौन है? डरा रहा है? सच्ची डरा रहा है? ये कौन है भाई? ये तो कुछ और ही लग रहा है। अब कौन है? डरा ले भैया, बता दे कौन है। हेलो, हेलो,
कौन है? कौन कौन बोल रहा है? कौन? मत बोल रही है। कौन बोल रहा है? नाम बता, मेरे को नाम पूछना है, नाम बता। कौन? ना 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 ना, बात समझ में आया? क्या बोला? नाम क्या है? क्या नाम है? हेलो, भैया कौन है बता दो। मैंने कौन? मैं हूँ, मैं हूँ तो कौन है? मैं कौन हूँ? मैं का नाम तो होगा कोई। हेलो, ए बोलना, बोलो बोलो, कौन है? कौन मजाक कर रहा है मेरे से? हेलो।